6000 रुपया कोई देश डोम राजा को मुझे आपत्ति नहीं है, कोई दान दे दे मुझको आपत्ति नहीं है, लेकिन लाश जलाने के नाम पर एसकेएम से पैसा ले वो आश्चर्य होगा। सरकार को अब शमशान घाट खोल लेना चाहिए कि उससे ज्यादा इनकम आप आएंगे। हर परिस्थितियों में शमशान से लाभ। दूसरा यह है एसकेएमसीएच, यह देखिए एसकेएमसीएच का कचरा देखिए, ये वार्ड हमारे सामने 3 लाशें, ये कचरा लैट्रिन और बाथरूम वार्ड में तैर रहा था, सारी लैट्रिन और बाथरूम में एक आदमी, आपको आश्चर्य होगा, ये देखिए ये लैट्रिन देखिए, ये कोई मतलब आप आश्चर्य होगा, बाथरूम सब आपको आश्चर्य लगेगा, मतलब मेरा 2-3 बात कहना है सरकार से कि कितने लाश के बाद, कितने शमशान के बाद आप तय करेंगे। पहला है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकार कुछ महीनों के लिए अपने नियंत्रण में ले, प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकार अपने नियंत्रण में ले, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करे, जो यह तय करे कि किसे अस्पताल की जरूरत है, किसे कोविड वार्ड की जरूरत है और किसे कोविड वार्ड की जरूरत नहीं है। हर अस्पताल में स्पेशल नर्स की व्यवस्था हो, जो सिर्फ ऑक्सीजन देके मरीज का दूसरा कोई काम ना करे। रिटायर्ड जज और रिटायर प्रशासनिक अधिकारियों को अस्पताल के मैनेजमेंट में लगाया जाए, कोविड अस्पताल के मैनेजमेंट, ताकि चिकित्सकों और नर्सों पर लोड कम पड़े, वो मेडिकल का काम करे, प्रशासनिक काम रिटायर प्रशासनिक पदाधिकारी और रिटायर जज के अंदर। इस देश की बदनसीबी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं भैया। इस देश की बदनसीबी है कि अर्णब गोस्वामी के मामले में रात को सुनवाई करने वाली जो सुप्रीम कोर्ट है, जिस पर हम सबका विश्वास है, 1 हफ्ता के बाद ऑक्सीजन पर सुनवाई होती है और उसका निराकरण कुछ नहीं निकलता। पूरा देश शमशान बन गया है। जब हम बिहार बॉर्डर गोरखपुर से होते हुए हम दिल्ली को और कूच करते हैं तो सड़कों के किनारे सिर्फ शमशान होता है। जब हम पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए आगे बढ़ते हैं तो सड़कों के किनारे शमशान होता है। इस देश की विडंबना देखिए, हमारे देश के 8 पत्रकार आज तक के, रोहित सरदाना जी और हमारे बिहार के चीफ सेक्रेटरी अभी चले गए अरुण कुमार, गांव से लेकर झोपड़ी से लेकर सचिवालय तक और अस्पताल से लेकर शमशान, की हालात है। ये 48 लाश हैं, 48 लाश में हो सकता है 7-8 लाश कोविड ना हो। ये गिनती से मैंने 48 लाश गिने हैं,
सामने दिखाइएगा भैया। और दिन में ही 48 लाश है। हाँ तो सर जी। और एक घाट पर है जिसमें मेरे ख्याल से 38 से 39 40 के लगभग ये पॉजिटिव लाश होंगे। और इस लाश के लिए वहां 6,000 से 15,000 तक रुपया लिया जाता है जलाने के लिए। उसके भी वीडियो है मेरे पास। मेरे सामने 6,000 रुपया लिया गया लाश जलाने के लिए। और बेचने वाला व्यक्ति इस देश का अब्दुल कलाम हो सकता था। तो जितने लोग हजारों हजार लोग डरे हैं, क्या उसमें कोई अब्दुल कलाम पीएम और कोई डीएम, कोई देश का सबसे बड़ा किसान हो सकता था कि नहीं? वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के बगैर 260 वेंटिलेटर पूरे बिहार में है मात्र 260। बेड दुनिया का सबसे कम। फिर सरकार चिंता कहां से रखेंगे लोगों को? ऑक्सीजन का हाहाकार, ऑक्सीजन के एजेंसी वाले कंप्लीट ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। चौदह हजार दवाई सरकार के अनुसार आने के बाद और भी दवाई की कीमत बढ़ गई। चालीस चालीस 70,000 में एक रेमडेसिविर, डेक्सोना, विटामिन सी, सारी दवाई गायब। बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर जो ओरिजिनल दाम है दवाई की, उसको सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाए। और जितना स्टॉकिस्ट है उन पर जांच हो, इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, जज की इंक्वायरी हो, क्योंकि जितना बड़ी कंपनी और फैक्ट्री वालों के यहां स्टॉकिस्ट है, लगभग सब के सब माल को गायब कर दिए। इन एक तरफ गैस एजेंसी की वेंडर, उनकी इंक्वायरी कि ऑक्सीजन जा कर रहा है, निजी और नर्सिंग होम गया हूं, उसको भगाने की तैयारी। सरकार जितनी पैसे खर्च करते हैं रेमडेसिविर पर, वो पप्पू यादव को दे, हम एक एक व्यक्ति को रेमडेसिविर पहुंचाएंगे। एक रुपया नहीं लगेगा। पत्र लिखेंगे? पत्र लिख चुके हैं, फैक्ट्री के मालिक को पत्र लिख चुके हैं हम रेमडेसिविर के लिए कि बिहार में रेमडेसिविर की उपलब्धता कराओ, नहीं तो तुम्हारी कंपनी को हम रोकेंगे। चैलेंज कर दिए हैं। सिप्ला को भी बंद करने के लिए बोले थे, क्या हुआ आपका? सिप्ला को चिट्ठी लिखे, सिप्ला कंपनी ने कहा सरकार 14,000 हमसे ली है और मैं देने को तैयार हूं, सरकार नहीं उसकी व्यवस्था करा रही है। इसीलिए हालात अच्छे नहीं है, हर घर के लोग परेशान। दिल्ली में रोहित सरदना की मौत, ऑक्सीजन और सही एक दिनों के अंदर, जबकि दो दिन पहले उन्होंने कई लोगों की मदद के लिए ट्वीट किया है, परसों भी उन्होंने ट्वीट किया है, और एक दिनों के बाद मौत। कई ऐसी नया हिंदुस्तान के लोगों की मौत,
और अब भी सरकार मस्त। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।